आज के नए लेसन, दैट इज़ FIB, यानी कि होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को सबसे पहले समझने के लिए मैं यही आपसे कहूँगी कि इस तरह से आजकल जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डबल फिलर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि एक ही सेंटेंस में जो है वो दो स्पेस दिए जाएंगे, दो ब्लैंक स्पेस दिए जाएंगे बेसिकली, या फिर इसका दूसरा पैटर्न हो जाएगा कि एक ब्लैंक दिया जाएगा और उसके लिए दो ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। अब वो दो ऑप्शन कौन से होंगे और वो कैसे करेक्ट होंगे, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। इफ इंडियाज़ यूनिवर्सिटी डेवलप टुमोरोज टेक्नोलॉजीज, इट कुड प्रोवाइड एज कटिंग एंड डैश टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस सेंटेंस को हिंदी करें, मतलब कि उस सेंटेंस का भावार्थ समझें कि वो कहना क्या चाहता है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि उसमें आप ये पहचानें कि उसमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है या वर्ब की ज़रूरत है। और ये बात आपको कैसे पता चलेगी, ये बात आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पता चलेगी। जैसे जैसे मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी उसी तरह से मैं आपको आगे जो है वो हर एक पार्ट यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दूंगी, ताकि आपका जो वोकैबलरी सेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो सके। पहले क्वेश्चन को करते हैं। इफ इंडियाज़ यूनिवर्सिटी, यदि इंडिया की यूनिवर्सिटी डेवलप कर पाती हैं कल की आने वाली तकनीकियों को, तो इट कुड प्रोवाइड एज कटिंग एंड फ्रुगल या फिर इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजीज। मैंने ये दो शब्द क्यों लगाए, सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर इट जो है वो क्या है बेसिकली, यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है, कुड जो है वो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रोवाइड, यानी कि इट कुड प्रोवाइड, यानी कि इट कुड प्रोवाइड मतलब ये जो नई आने वाली तकनीकियां हैं, कल की भावी तकनीकियां, जो आने वाली तकनीकियां हैं, ये क्या करेंगी, हमें प्रोवाइड करेंगी एज कटिंग। एज कटिंग का मतलब होता है कि ये जो है वो पैसे की कटौती करेंगी, यानी कि अब जो पैसा लग रहा है मेंटेनेंस में, उसकी वियरिंग और टियरिंग में, टेक्नोलॉजीज़ की में, उसमें हमें राहत मिलेगी। दूसरा, वे क्या होंगी, वो फ्रिगल होंगी या फिर इकोनॉमिकल होंगी। फ्रिगल और इकोनॉमिकल दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं, और ये शब्द एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हो गई यहाँ पर मॉडल, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कटिंग एज जो है वो खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि एंड अगर कहीं पर भी आता है एज एन अ कनेक्टर, तो अगर इस तरफ वर्ब है तो इस तरफ भी वर्ब ही होगी, और अगर इस तरफ एडजेक्टिव है तो इस तरफ भी एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर मैं जानती हूँ कि एज कटिंग जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये फ्रुगल और इकोनॉमिकल जो है वो लेगा अपने साथ एक एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन होता है, हमने एसेटिक क्यों ना लिया और मर्क क्यों ना लिया। देखिए, एसेटिक का मतलब होता है साधु, सीधा साधा आदमी और उच्च विचार, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को जीने में विश्वास ना रखकर सादा और सिंपल जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता हो या वैसा जीवन व्यतीत करता हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एसेटिक। तो इसका तो कोई एसेटिक टेक्नोलॉजीज़ तो कोई होती नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है मग। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आई हैव अ मग सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो बहुत कम सैलरी है, मतलब उतनी नहीं है पर्याप्त मात्रा में जितनी मुझे अपना पूरा महीना चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ मग सैलरी, मतलब मुझे सैलरी तो मिलती है लेकिन मुझे इतनी नहीं मिलती कि जिससे कि मेरा पूरा पर्याप्त खर्चा हो पाए। तो कोई भी चीज़ जो कि पर्याप्त मात्रा में पूर्ति ना हो पाती, तो उसके लिए हम मग की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं फ्रुगल और इकोनॉमिकल, ये दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। पॉइंट नंबर थ्री, ये वाला जो शब्द है वो यूज़ होता है बेसिकली फूड और मनी के सेंस में, यानी कि फूड और मनी को अगर हमें चीप बताना है या फिर स्मॉल अमाउंट में बताना है, स्मॉल अमाउंट में बताना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रुगल का। और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल को हिंदी में हम कहेंगे किफ़ायती। तो कहीं पर भी जहाँ पर सेंटेंस हो वहाँ पर किफ़ायती शब्द बोल के देखना या लिख कर देखना, तो आपको उसका सेंस पता चलेगा सेंटेंस का, और यदि वह फिट बैठता है तो उसमें इकोनॉमिकल भी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको वर्ड्स के यूजेस करना बताया है। देखिए, वोकैब
वोकैबुलरी याद करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसको किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है, वर्ब में उसका सेंस क्या आता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ उसका सेंस क्या आता है, वी फॉर्म के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है तब उसका सेंस क्या होता है, और एक प्योर एडजेक्टिव के सेंस में उसका सेंस क्या होता है किसी भी शब्द का। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द नॉइज़ ऑफ डेंटिस्ट ड्रिल माइट अवेकन फीलिंग ऑफ डैश एंड नर्वसनेस। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहले आपको स्लाइड में क्या समझाया था कि जो एंड होता है बेसिकली वो दोनों तरफ सेम चीज़ लेता है, वर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन। यहाँ पर नर्वसनेस क्या है, देखिए नर्वस जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अंदर जब कभी भी ये चार पॉइंट्स लग जाते हैं, कौन कौन से, एडजेक्टिव के साथ यदि प्लस में यानी ऐड हो जाता है ए एन सी ई, ई एन सी ई, एन ई डबल एस और एल ई डबल एस, तो वो शब्द क्या बन जाता है, वो शब्द जो है वो नाउन बन जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नर्वस जो है वो प्योर एडजेक्टिव है, और जब उसमें ये नेस शब्द लग गया तो यह एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अब बात उठती है कि हम यहाँ पर क्या करें, तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। डेंटिस्ट के ड्रिल की आवाज़, द नॉइज ऑफ डेंटिस्ट ड्रिल माइट, माइट यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फॉर्म, माइट अवेकन फीलिंग्स ऑफ, तो पॉसिबली ऐसी फीलिंग को उजागर करता है या जागृत करता है, कैसी फीलिंग को, डर की या अनइजीनेस की या डिसगस्ट की या नर्वसनेस की। तो नर्वसनेस की तो इन्होंने खुद ने ही कहा है कि हाँ नर्वसनेस की करता है, पर क्या ये फीलिंग डर की करता है, जब हम ड्रिल की आवाज़ सुनते हैं टीथ में, जब डेंटिस्ट जो है वो दांतों को लगाता है या दांतों को जो भी है सफाई करता है, तो उस वक्त जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उससे हमें क्या लगता है, उससे हमें एक तो डर लगता है, एक अनइजीनेस सी लगती है कि ये दर्द जो है वो मुझे भी होगा, ये चुभन मुझे भी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट बैठता है। यहाँ पे स्क्रपल और डिसगस, इन दोनों का ही मीनिंग आपको मैं समझा देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चले। एप्रिहेंशन और अनइजीनेस ये दोनों ही नाउन हैं, इसलिए ये नर्वसनेस के साथ सही बैठ रहे हैं, और बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं बैठ रहे चलिए समझते हैं। स्क्रपल खुद अपने आप में एक नाउन है स्टूडेंट्स, मैंने ये बोला है कि स्क्रपल खुद अपने आप में एक नाउन है, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई भी एक ऐसा काम करने से आपकी अंतरात्मा आपको खुद ब खुद रोकती है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो मॉरली यानी कि नैतिक के हिसाब से वह सही नहीं है या कुछ अनसर्टेन है वह काम करना, तो उसका अर्थ होता है स्क्रपल। और डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही है, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना किसी को डिसलाइक या डिसअप्रूवल करने की, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, उस सेंस में आप जो हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, डिसगस्ट करते हैं। ओ हाउ डिसगस्टिंग द मैन वॉज, How disgusting this smell was. तो यहाँ पर क्या क्या कि मैंने कहा है आपके सामने कि वो आदमी ही इतना disgusting है कि मुझे वो पसंद ही नहीं है, वो disapprove करती हूँ, उसको dislike करती हूँ। और मैंने कहा how disgusting this smell is, मतलब ये जो smell आ रही है वो कितनी disgust है, मतलब कितनी गंदी है, जिसको मेरा behavior या मेरी life या मेरा जो approvalness है वो apply नहीं कर रहा है। चलिए इसी तरह से जो है आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैन डैश मीनिंगफुल एक्टिविटी इन स्टेट्स। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल कमिटमेंट, राजनीतिक कमिटमेंट ये है, क्या है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप में एक फ्रेज है, टू के बाद वी आई एन जी की फॉर्म आने का मतलब होता है करने का सेंस। देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार की वर्ब होती हैं, एक वर्ब होती है टी वी और एक वर्ब होती है आई टी वी। टी वी का मतलब होता है करना, यानी कि वह वर्ब खुद क्रिया कर्म कर रही है, और आई टी वी वो होता है होना, यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाता है या जिसके ऊपर कर्म होता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से समझना है कि मैं आपको ये मैंने एक वर्ब का जो है वो दो पार्ट आपको समझाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही शब्द जो हैं वो वर्ब है सिर्फ इम्पीटस को छोड़कर।
तो देखिए, अब इनका मीनिंग्स को समझते हैं कि कैन के बाद जो है वो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है? ये सेंटेंस कहना चाहता है कि राजनीतिक कमिटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है, और उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें बैक सपोर्ट में क्या ज़रूरत है? स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ की और जो भी मैकेनिज्म है उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकें स्टेट के अंदर। अब जो मैकेनिज्म जो है या जो स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ जो दे रहा है, उन सबको किसकी ज़रूरत है? उन सबको एंकरेजमेंट की ज़रूरत है। बेसिकली आप खुद ही सोचिए, जब रिव्यूज़ और मैकेनिज्म को मॉनिटरिंग करने की ताकत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा देगी। तो यही बात तो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। अब इसमें हमें एंकरेज शब्द कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एंकरेज शब्द यहाँ पे सपर और प्रॉम्प्ट, इन दोनों का ही अर्थ होता है एंकरेज करना, यानी कि किसी चीज़ को, किसी काम को करने का क्या करना, बढ़ावा देना। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अराउज का मतलब हो जाता है कि किसी भी इंसान को किसी काम के लिए उत्प्रेरित करना, यानी कि कोई एक ऐसा काम करवाना जो कि किसी में कोई इंटरेस्ट जगाना। अराउज शब्द जो है वो टीवी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि किसी इंसान को या किसी पर्सन के अंदर इंटरेस्ट जगाना, ना कि उसको एंकरेज करना। तो इसका जैसे मैं सेंटेंस अगर आपके सामने बोलूँ, इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट अराउज लॉट ऑफ इंटरेस्ट। वह सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था जिसने क्या कर दिया, जागृत कर दी एक ऐसी फीलिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ इम्पीटस की, तो इम्पीटस खुद अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका अर्थ भी यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी भी पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसको एनर्जी देना या उसको इफ़ेक्टिवनेस में लेकर आना। लेकिन यहाँ पर मुझे नाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऑप्शन जो है वो होगा सेकेंड एंड फोर्थ, और सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन करते हैं। सिंस इट्स डैश द नीति आयोग हैज़ बीन अ बिलीवर इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दैट पुट्स अ प्रेशर ऑन पॉलिसी मेकर अक्रॉस द स्टेट्स टू परफॉर्म बेटर ऑन अ प्री डिफाइंड गोल एंड मेट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको आज बहुत बढ़िया बात एक बताना वाली हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस सेंटेंस को यहाँ से मत पढ़िए, मतलब कि सिंस इट्स और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वो मत पढ़िए। आप पढ़िए इसे सेंटेंस को, नीति आयोग हैज़ बीन अ बिलीवर। नीति आयोग एक बिलीवर होता आया है। यहाँ पे हैज़ बीन का मतलब क्या होता है? होता आया है, ठीक है। अब है किस लिए लगा है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। होना किस लिए लगा है? क्योंकि बी फॉर्म लगी है, बीन लगा हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है कब? जब हैज़ आता है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहना चाहता है किस में बिलीव करता है? फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव, मतलब कि ये फेडरलिज्म जो है उसका कंपटीशन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? प्रेशर डालकर। किन पर प्रेशर डालकर? पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर डालकर। और पॉलिसी मेकर्स में प्रेशर डालने की क्या क्यों ज़रूरत पड़ी है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि ये चाहता है कि जो भी गोल्स हमने पहले निर्धारित किए हैं उन्हें पूरा कर पाए। कौन कर पाए? पॉलिसी मेकर्स कर पाए। तो यहाँ पे सिंस इट्स बर्थ, यानी कि नीति आयोग के बर्थ से, है ना, यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट्स जो है वो अपने बाद नाउन लेगा। अगर यहाँ पे इट होता तो इट खुद अपने आप में सब्जेक्ट होता, तो नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे इट्स कहा है, तो इट्स बर्थ या फिर इट्स इंसेप्शन, दोनों ही शब्द सही होंगे इसमें। अब बात आ जाती है फाउंडिंग और नेसेंट इसमें क्यों ना लगा। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि बर्थ और इंसेप्शन दोनों का ही अर्थ होता है किसी चीज़ का जो है उजागर होना या फिर उसका उद्गम होना। लेकिन उद्गम ऐसा ना होना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका उद्गम होना या उसकी फाउंडिंग होना। यहाँ पर फाउंड जो है वो वर्ब है और मुझे वर्ब की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ नेसेंट की, तो उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ अच्छी तरह। वह चीज़ जो कि अभी रिसेंटली शुरू हुई है या फॉर्म्ड हुई है, जो कि बहुत जल्दी
जो है वो बढ़ रही है, लगातार ग्रो कर रही है लार्ज कैपेसिटी में, परंतु ये जो है वो एक एडजेक्टिव है, और ये दोनों जो थर्ड एंड फोर्थ हैं वो नाउन है, और हमें नाउन की ज़रूरत है। देखिए, अगर यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत होती तो फर्स्ट ऑप्शन नेसेंट सही होता, लेकिन आप नेसेंट को याद करने का तरीका समझिए। नेसेंट को आप ऐसे बोल सकते हैं, अ नेसेंट प्रॉब्लम, यानी कि बढ़ती हुई प्रॉब्लम जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई है, अभी अभी फॉर्म हुई है वो प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं अ नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अभी अभी नई नई उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लार्जली ग्रो अप कर रही है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, नेसेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नेसेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, एडजेक्टिव की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नाउन की ज़रूरत है। तो थर्ड एंड फोर्थ वुड बी राइट, सो ऑप्शन वुल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स डैश महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ अहिंसा एज द लार्ज हाइएस्ट आइडल एंड गिव द मैसेज ऑफ टॉलरेंस। तो ये तो जो बहुत ही ईजी सेंटेंस है, ये क्या कहना चाहता है कि जितने भी संसार के धर्म हैं वे सभी क्या कर रहे हैं, वे सभी वकालत कर रहे हैं। किसकी वकालत कर रहे हैं ये, वे सभी वकालत कर रहे हैं महात्मा गांधी के आइडिया की। कौन से आइडिया की, अहिंसा के आइडिया की, जो कि खुद अपने आप में एक हाइएस्ट डिग्री ऑफ आइडल है, जो हमें ये मैसेज देता है कि हमें सहन शक्ति रखनी चाहिए। तो इस केस में अब देखिए, एफिमिनेट तो वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि एफिमिनेट का मतलब हो जाता है वह आदमी जो कि औरतों की तरह बिहेव करता है और औरतों की तरह रहना पसंद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिमिनेट। तो ये शब्द तो गलत हो गया। अब आता है यहाँ पे प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी आइडिया, उसके बारे में जो है वकालत करना या उसके बारे में कहना को हम बोलते हैं प्रोफाउंड। तो यहाँ पे एडवोकेट और प्रोफाउंड शब्द जो है वो दोनों ही सही हैं। प्रॉड का मतलब होता है टू पुश समवन या समथिंग इनटू अ योर फिंगर और पॉइंटेड आउट एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्रॉड का मतलब है, प्रॉड खुद अपने आप में एक वर्ब है, और इसका अर्थ होता है जैसे आपने कोई भी खाना वगैरह पकाया है तो आप चाकू से ना डाल के देखते हैं कि ना वो पका है या नहीं पका है, तो किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप डाल कर देखते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर से जो है वो टच करके या उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट करके देखते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को ही प्रॉड कहना कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलती हूँ, शी प्रॉडेड द केक With her fork to see if it was cooked. उस लड़की ने प्रॉड किया केक के अंदर अपना फोक, ये देखने के लिए कि वह कुक्ड हुआ है या नहीं हुआ है। या she prodded at the fish with his fork. अपनी फोक से यानी अपने चाकू से उसने फिश के अंदर प्रॉड करके देखा है। तो किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जब हम किसी के अंदर डालकर देखते हैं या उसको चीरा मारते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉड स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स नीड्स टू डैश कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस एंड गिव अ बूस्ट टू ऑल की स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन इन द ड्राइवर सीट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग लेवल। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहती हूँ। ये ड्राइवर सीट जो है इसका अर्थ ड्राइवर सीट से नहीं है, बल्कि ये एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है, जो कि ये बताना चाहता है कि जो अब देखिए पूरा सेंटेंस समझते हैं। स्टेट्स नीड्स टू पेडल इंड्यूस कोरस और फोस्टर। तो स्टेट को क्या है, वो ज़रूरत है क्या करने की, कंपटीशन को फोस्टर करने की, कंपटीशन को बढ़ावा देने की। एंड गिव अ बूस्ट, और बूस्ट करने की ज़रूरत है, किनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। किस में स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन द ड्राइविंग सीट में, यानी कि जो फ्रंट हैंड में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है हमें कंपटीशन या जो है उनका उनके साथ जो कंपटीशन है उसे फोस्टर करने की ज़रूरत है या उसे बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो एजुकेशन का जो लर्निंग लेवल है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो इस केस में पैडल का मतलब होता है, पैडल मतलब होता है वो इंसान जो कि एक सेल्समैन होता है, जो घर घर जाकर सामान को बेचता है। इंड्यूस का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज़ इंड्यूस करना। तो नीड्स टू इंड्यूस कॉम्पिटिशन, यानी कि हमें कॉम्पिटिशन को जो है वो अब हमें कॉम्पिटिशन शुरू कर देना चाहिए स्टेक होल्डर्स के बीच में, ताकि अगर कॉम्पिटिशन होगा तो
इससे क्या होगा कि हर कोई बेटर करने की कोशिश करेगा, और जब अगर हर कोई बेटर करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। वहीं मैं दूसरी तरफ अगर देखूँ वर्ड कोरस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को फोर्सफुली परसुएड करना जो वो नहीं करना चाहता है। तो ऐसी तो कोई बात कहीं नहीं है। देखिए कोरस का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को मतलब बोलना कि नहीं तुम्हें यह काम करना ही होगा उसकी विलिंगनेस के खिलाफ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेसिक कोरस। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ और इंड्यूस सेकेंड नंबर जो है वो सही है, यानी सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ हेल्दी प्लैनेट इज अ पब्लिक गुड एंड गवर्नमेंट एंड पीपल आर डैश टू यूज़ इट वेल। देखिए ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का अगर जो भी अर्थ समझ गए हैं हिंदी में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिए आप स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। देखिए मैं समझाती हूँ क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है बेसिकली हेल्दी प्लैनेट यानी कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लैनेट है वो कब होता है, जब वहाँ की पब्लिक जो है वो क्या हो, अच्छी हो, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छी हो, और उसे यूज़ करना यानी कि पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को यूज़ करना लोगों को अच्छी तरह से आता हो, इस सेंटेंस का मतलब ये है। देखिए मैं फिर दोबारा समझाती हूँ, बहुत प्यारा सेंटेंस है। ये कह रहा है कि एक हेल्दी प्लैनेट तब एस्टेब्लिश होता है जब, यहाँ पे ना गुड बाद में दे रखा है, पब्लिक गुड लिख रखा है यहाँ पे, पब्लिक गुड एंड गवर्नमेंट्स, जबकि कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है दोनों के दोनों क्या हों, गुड हों, और लोगों को मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों को उसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना आता हो। आप समझते हैं यहाँ पे, देखिए ग्रेटफुल और ऑब्लिगेट दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन ग्रेटफुल यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए यानी कि किसी नाउन शब्द के लिए यूज़ होता है, और ऑब्लिगेट जो है वो बी फॉर्म के बाद लगता है। कुछ मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बी फॉर्म के बाद लगकर अपने आप को नाउन बनाती हैं। ऑब्लिगेटेड खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और बी फॉर्म के बाद लगने के बाद वह क्या बना रहा है, अपने आप को नाउन बना रहा है बेसिकली। ये दोनों कंबाइन फॉर्म में एक नाउन कहलाए जाएंगे। मैं आपको ग्रामर के सेक्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि जब तक आपको ग्रामर अच्छी तरह से क्लियर अप नहीं होगी, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्योर एडजेक्टिव है, बी फॉर्म के बाद किस तरह से शब्दों का यूज़ किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है, कब उनका मतलब टीवी होता है यानी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और कब उनका मतलब आईटीवी होता है यानी इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, पैसिव वॉइस में, नरेशन में, हम ये बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाए, और फिर उन्हीं सभी चीज़ों को मैं आपको ज़रूर से उसको अप्लाई करना सिखाऊंगी न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ तो बहुत बच्चे लेते हैं लेकिन अब तक आज तक सीखा उससे कुछ नहीं है। तो सीखोगे तभी जब पहले आप प्रैक्टिस करोगे छोटे छोटे सेंटेंस पे, और फिर डेली न्यूज़पेपर में उसको ढूंढोगे और ढूंढ कर उसे लिखोगे कि अरे वाह आज मैंने ये नई चीज़ सीखी, तब आपके माइंड में बैठेंगी ये ग्रामर की रूल्स और रेगुलेशंस। बार बार रूल्स को पढ़ने से कभी भी नहीं बैठने वाले ये ग्रामर के रूल्स, कभी नहीं समझ पाओगे कि क्या यूज़ करना है किस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस में बाउंड और ऑब्लिगेट जो है वो सही आंसर होगा। ग्रेटफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बी फॉर्म के बाद नहीं लगता, और ग्रेटफुल जो है वो यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडेंचर्ड। इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए इसका अर्थ समझाती हूँ मैं आपको। एक सेंटेंस आपके सामने मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए, ही सर्व्ड एन इंडेंचर्ड अप्रेंटिसशिप इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंडेंचर का अर्थ ये होता है कि ऑफिशियली कोई एग्रीमेंट होना किसी भी इंसान के साथ किसी वर्क प्लेस पे किसी लेंथ ऑफ टाइम पर, ताकि वह कोई काम करना सीख सके। यानी कि आप एक कहीं पर भी किसी जॉब के लिए गए तो आप सबसे पहले एक अप्रेंटिस ही होते हैं, एक जॉब में आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, और उसका एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप कहीं पर काम करने जाते हैं ऐसा चनक जॉब की तरह, तो उसे क्या कहते हैं, इंडेंचर्ड कहते हैं। तो इंडेंचर्ड का भी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑब्लिगेट और बाउंड, यानी कि आर बाउंड टू यूज़ इट वेल, मतलब उसे बहुत अच्छी तरह से जो है वो यूज़ करना आना चाहिए।
या फिर आर ऑब्लिगेटेड टू यूज़ इट वेल, यानी उसे बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्या है, ग्रेटफुलनेस की तरह आभार व्यक्त करते हुए यूज़ करना आना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए आगे क्या, एक नया सेंटेंस पढ़ते हैं अब। टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड इज कॉन्ट्रोडिक्ट्री टू ऑल रिलीजन। तो इसका अर्थ क्या है कि टेररिस्ट की कोई भी जगह नहीं है एक सभ्य समाज में, यानी एक सभ्य संसार में, और यह कॉन्ट्रोडिक्ट्री यानी कि यह आइनरी है किसके लिए, सारे रिलीजन्स के प्रिंसिपल के लिए, मतलब सारे रिलीजन्स के जितने भी प्रिंसिपल और रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए ये एक कॉन्ट्राडिक्ट्री है। कौन कॉन्ट्राडिक्ट्री है, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्री है टेररिज्म। आप देखिए, स्क्लपल्स नहीं होगा, टेनेट्स हाँ हो सकता है, प्रिंसिपल हाँ हो सकता है, थीसिस जो है वो भी नहीं होगा। देखिए, टेनेट्स और प्रिंसिपल दोनों का मतलब सेम होता है। टेनेट्स जो है वो बेसिकली यूज़ होता है जो भी रिलीजियस चीज़ें होती हैं उन, या कोई भी फिलॉसफी होती है उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है या मेन बिलीफ जो होता है उसको टेनेट्स कहते हैं। तो सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उन सब के लिए एक ये ना धब्बे की बात है क्या, आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। और यहाँ पे थीसिस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है जो कि कोई थीसिस प्रस्तुत कर रही है। स्क्लपर्स, स्क्लपर्स मतलब होता है टूटे फूटे जो भी सामान या अवशेष बचे हुए होते हैं किसी भी उसके स्क्लपचर्स, उसको कहते हैं स्क्लपर्स। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो द वर्ल्ड विल डैश इट्स एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज इन लेस देन अ 50 ईयर्स टू ट्रिगर अ क्राइसिस इट इज नॉट एबल टू कोप विद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन अ बिजनेस एज अ यूजुअल सिनेरियो, यदि देखा जाए बिजनेस की दुनिया में तो जो संसार है, जो वर्ल्ड है, विल डैश यानी कि वर्ल्ड जो संसार है वो एवोप्रोट हो जाएगा। देखिए आप सेंटेंस को समझिए, क्या एवोप्रोट हो जाएगा, ये तो गलत ही हो गया, बोलने से समझ में आ गया, एवोप्रोट शब्द नहीं आएगा। जो संसार है वो डेसिपेट हो जाएगा यानी संसार जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा, ये संसार जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये संसार जो है वो डिस्पेल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सभी का जो है वो क्या, देखिए आप मीनिंग समझिए कि किसका मीनिंग क्या है। अब मैं बात करती हूँ डिस्पेल का, तो डिस्पेल जो है वो एक वर्ब है, हाँ ठीक है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर होगी बात, लेकिन उसका मतलब क्या है। डिस्पेल का मतलब होता है आपकी जो भी फियर है, आपके जो भी डाउट्स हैं, या आपके अब तक के जितने भी फॉल्स आइडिया हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, कोई भी अननेसेसरी थॉट या फिर कोई भी रॉन्ग प्रूफिंग जो भी है आपके अंदर अभी तक, उसका बाहर चला जाना या उसका रिमूव हो जाना ही डिस्पेल कहलाता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज जो हैं वो डिसअपियर होने वाले हैं यानी वो ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके लिए एग्जॉस्ट शब्द लगेगा और एक डेसिपेट शब्द लगेगा, और दोनों ही शब्द जो हैं वो क्या हैं, वर्व हैं। एग्जॉस्ट जो है उसका मतलब भी यही होता है ख़त्म हो जाना, और डेसिपेट का मतलब भी होता है कि ग्रेजुअली किसी चीज़ का धीरे धीरे डिसअपियर होना, यानी कि जब जो भी कोई चीज़ होती है और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो बायोडिग्रेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेबल रिसोर्सेज हो, वे सारे के सारे जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हैं वो ख़त्म होते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, डेसिपेट जो है वो सही शब्द होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। डिस्पाइट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्लरिशिंग ऑयल फॉर द टाइम बींग इज नॉट। देखिए इसका अर्थ जो है वो अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होने के बावजूद जो भी ऑयल है वो क्या हो रहा है, फॉर अ टाइम बींग इज नॉट फंगेबल,
या फिर इसका अर्थ क्या है? फंगेबल का मतलब होता है वह चीज़ जो कि आप किसी के सब्स्टिट्यूट में डाल सकते हैं, जिसकी उतनी ही यूटिलिटी या फिर वैल्यू हो। यानी कोई भी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वो भले ही आज कितना ही फल और फूल क्यों ना रहा हो। फिर यहाँ पे कॉमा देखे, ऑयल को इम्फोसिस किया है, यानी कि जो ऑयल है वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, वो धीरे धीरे उसके ऑल्टरनेटिव कितने ही हमारे पास रिसोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग इज़ नॉट फंगेबल। यानी कि समय के साथ अभी भी हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर अ टाइम बीइंग इज़ नॉट लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? इज़ नॉट लग रहा है, यानी कि भले ही ऑयल के कितने ही ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्यों ना हो, परंतु अभी भी हम उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन होगा सब्स्टिट्यूएबल। नाउ एक्सट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि कहीं कोई मेटल या ओर है, उससे कोई चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन। ये एक वर्ब है, यानी कि एक्सट्रैक्ट का शाब्दिक अर्थ होता है रिमूव करना किसी चीज़ के अंदर से, यानी कि किसी में से कोई चीज़ बाहर निकालना, उसमें से उसको रिमूव करना। तो हम जो मेटल के जो ओर्स होते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें से हम मेटल को अलग करते हैं ओर में से, यानी इम्प्योरिटीज़ में से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसे रिमूव करते हैं बेसिकली। तो वो तो यहाँ पर शब्द नहीं लगेगा। और इन फ्रंगेबल इसका अर्थ भी यही होता है, किसी चीज़ को किसी से रिमूव करना, लेकिन ये खुद अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और मुझे इस वक्त नाउन की नहीं एडजेक्टिव की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि इज़ जो है वो क्या है, बी फॉर्म है। देखिए स्टूडेंट्स, बी फॉर्म 8 होती हैं, इज़ एम आर वॉज वर। अब इज़ के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आने की ज़रूरत है, जो कि सब्स्टिट्यूएबल और फंगेबल दोनों ही शब्द जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें लग रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडेज, दिस इज़ आर लास्ट क्वेश्चन। होप यू हैव इन्जॉयड इट वेल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मेघना मित्तल हेयर, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंग्लिश, हाउ टू डील द क्वेश्चंस ऑफ द डबल फिलर्स। और नेक्स्ट हम वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छी तरह से इंग्लिश को समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कीप इन टच। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। एंजॉय। बाय बाय।